देश ऐसे दुश्मन से जंग लड़ रहा है जो आदर्श है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है जो 17 मई तक है। देश व्यापी लॉकडाउन में सरकार ने निजी स्कूल और सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे, जिसको लेकर देश की अभिभावकगण छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई अपने घर में रहकर करा रहे हैं। इसी के चलते सरकारी स्कूल और निजी विद्यालय अब शिक्षा ऑनलाइन की हुई है। सभी बच्चे ऑनलाइन के जरिए अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है। निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल और टीचर ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में छोटे बच्चों पर काफी बोझ पड़ने वाला है और उसकी संभावना ज्यादा है। विद्यालय खुलेंगे तो छोटे बच्चों पर ज्यादा लोड पड़ेगा और बताया जब विद्यालय खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग तब भी रखनी पड़ेगी और स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल है क्योंकि स्कूलों में इतना स्पेस नहीं है। बच्चों को शिक्षा ग्राउंड में नहीं दी जा सकती क्योंकि बारिश, धूप, आंधी, तरह तरह की समस्याएं हैं और खुले में पढ़ाई संभव ही नहीं है। और बताया व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस समय छात्र छात्राओं को पर पढ़ाई अधिक बोझ है और ये बोझ तब तक रहेगा जब तक बच्चे स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण नहीं करता, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये संभव नहीं है। स्कूल खुलने पे तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी विद्यालयों को। और रहा बात ये कि अगर जो मान लीजिए बच्चे आते भी हैं तो ये तो खैर असंभव है कि बच्चों को शिक्षा दे पाना, सोशल डिस्टेंसिंग भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगी और उसमें कोरोना का जो है संक्रमण फैलने के भी चांसेस हैं, इसलिए अभी तो खैर असंभव सा प्रतीत होता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए तो विद्यालयों में खैर संभव नहीं है क्योंकि उतना स्पेस भी मौजूद नहीं है और नए सिरे से फिर स्पेस बनाना असंभव है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जो है शिक्षा विद्यालयों में असंभव है। नहीं, ये भारत देश में ऑनलाइन स्टडी छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। ये बच्चों को अभी बिजी रखने के लिए एक हो सकता है कुछ समय के लिए। बड़े बच्चों के लिए जैसे कक्षा 9 के बाद बड़े बच्चों के लिए थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो अपने आप प्रयास करके पढ़ सकता है, पर जैसे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टडी है उससे ये ऑनलाइन कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अभी बच्चों को फ़िलहाल थोड़ा बिजी रखने के लिए घर में टीचर उनको ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी फ़िलहाल हमारे जो कंडीशन है उससे बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारा क्लासरूम बड़े बड़े होते हैं, बच्चे कम होते, चाइना में सब दिखा रहे हैं बच्चे एक डेस्क में एक बच्चा बैठेगा तो ये क्लासरूम में 10 ही बच्चे बैठ सकते हैं, उस हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। उनको वॉशरूम में जाना है या पानी पीने के लिए जाना है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही मुश्किल है। ना, ये अभी संभव नहीं है फिलहाल, या तो इस साल 0 ईयर घोषित किया जाए ना, नहीं तो ये कोरोना बीमारी के साथ साथ कैसे जीना है ना, वो सीखना बच्चों को या सब समाज को सीखना है। ये बीमारी लंबी रहेगी ना, इतना लंबा लॉकडाउन भी नहीं कर सकता है, कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लोगों को जीना मुश्किल होगा। तो इसके संग संग किसी ने ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है बच्चों को, छोटे बच्चों को ये मुश्किल है ऑनलाइन स्टडी सो कितना भी है। हमारे देश में जो ये शिक्षा प्रणाली, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। आप बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है अभी, दबाव है बच्चों के ऊपर, बच्चे घर में बैठ के भी थक गए हैं और एक तरफ से मानसिक रूप से वो पीड़ित होंगे ही बच्चे, इसलिए बच्चों को भी, बच्चे भी चाहते हैं घर से बाहर आए, है ना, वो माहौल में जो स्कूल के माहौल में हो, तो इसलिए पेरेंट्स भी परेशान है। तो इसलिए हम लोगों को स्कूल की तरफ से भी कितना भी हम कोशिश करें ऑनलाइन या अन्य टेक्नोलॉजी यूज़ करके, पर जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उससे तुलना में बहुत ही हम लोग पीछे रह जाएंगे।